क्षेत्र के अति प्राचीन भांडपुर जैन तीर्थ में तीर्थोद्धारक आचार्य जैरदश्वर महाराज का 50वां दीक्षा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सायला उपखंड क्षेत्र के अति प्राचीन श्री भांडपुर महातीर्थ में मंगलवार को भांडपुर तीर्थोद्धारक सूर्य मंत्र आराधक आचार्य जैरदश्वर महाराज के दीक्षा के 50वें वर्ष को लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन गच्छाधिपति नित्यसेन सूर्यश्वर महाराज एवं नरेंद्र सूर्य महाराज की शुभ निश्रा में धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम में गुरुदेव जैतन सूर्य महाराज के 50वें दीक्षा वर्ष निमित्त श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के जयकारे लगाए। जयकारों के साथ मूलचंद मंगलवार सहित कई गुरु भक्त भाव विभोर होकर झूम उठे। साथ ही गुरु गुणानुवाद सभा का आयोजन हुआ। वहीं भांडपुर तीर्थोद्धारक चूरी मंत्र आराधक आचार्य देव जैतन सूर्यश्वर महाराज ने प्रवचन में कहा कि तीर्थ प्राचीन काल से हमारी संस्कृति के प्रतीक रहे हैं, जो हमारे तीर्थंकरों के तप आराधना से परिचित करवाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उनमें दर्शन करने जाने मात्र से ही मन में भक्ति की भावना जागृत हो जाती है, इसलिए उनके विकास में अपना सहयोग प्रदान कर पुण्य का अर्जन करने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर गांव के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, वहीं कार्यक्रम में सेवा देंगे। इस दौरान देताकला के वरणिया गोगाजी मंदिर कमेटी द्वारा भांडपुर पहुंचकर जैनाचार्य जैरदश्वर महाराज को आमंत्रण पत्रिका देकर कार्यक्रम में शरीक होने को लेकर विनती की। भांडपुर तीर्थोद्धारक चूरी मंत्र आराधक आचार्य देव जैरदश्वर महाराज के स्वयं वर्ष पर्याय के 50वें वर्ष को लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए, जिसमें श्री राजेंद्र सूरी जैन सेवा सदन पोस्ट ऑफिस का धूमधाम से उद्घाटन जैन संतों व लाभार्थी परिवार के कर कमलों द्वारा फीता काट कर किया गया। देशों के उस सारे के सारे मिश्र में भाड़े के स्त्री पहुंच गए। ये भारत में आप लेने गए थे क्या? ये डबल रोड आप लेने गए थे क्या? इस भूमि का होते और उसके साथ साथ आपको मानना ही पड़ेगा राज धान भूख ये तीन विद्या चयन यदि नहीं होते तो उजाला नहीं। और जिस गुरु ने यहाँ ध्यान लगाया और उस गुरु की छोटे के बाद में शुरुआत की थी, शैला प्रदेशा में कौन कौन थे? तत्कालीन देवेंद्र जी महाराज साहब, तत्कालीन हमारे पुण्य सुना रेखक चंद जी, ज्वाला जी, कब्दी परिवार की प्रतिष्ठा के बाद में काल में जो इंसान